खबर नरसिंहगढ़ से है, जहां नरसिंहगढ़ पुलिस को मादक पदार्थों से भरा ट्रक पकड़ने में सफलता हासिल हुई। नरसिंहगढ़ में आज थाना प्रभारी एसपी ओपी भारतेंदु शर्मा एवं टीआई रविंद्र सांवरिया ने नरसिंहगढ़ बाईपास के पास मादक पदार्थों से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा जो भोपाल जा रहा था। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस इस चीज़ की तफ्तीश कर रही है, पर अब तक यह मालूम नहीं हुआ कि शराब से भरा हुआ ट्रक कहाँ से आ रहा था। रात नरसिंहगढ़ पुलिस को अवैध शराब के मामले में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जब 80 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले में अपराधों के विरुद्ध जो मुहिम चलाई जा रही, उसी तारतम्य में कल नरसिंहगढ़ पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक से, राजस्थान के ट्रक से अवैध शराब लाई जा रही है। हाईवे चौकी पर चेकिंग लगाई गई और चेकिंग के दौरान ये ट्रक नंबर, राजस्थान का ट्रक नंबर RJ11GB5053, इसको चेक करने पर चेक किया गया तो खाली, पहले पुलिस को खाली ट्रक प्रतीत हुआ, केले के पत्ते डले थे। ड्राइवर से पूछे, उन्होंने कहा कि माल खाली करके आ रहे हैं और खाली माल भरने जा रहे हैं। ये पुलिस ने चेक किया तो उसमें से केले के पत्तों के नीचे 80 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसमें मैकडोगल बिस्की की 37 पेटी, रॉयल स्टैग की 15 पेटी, इम्पीरियल ब्लू की 27 पेटी, रॉयल चैलेंजर की 12 पेटी और सभी कुल मिला के इसमें करीब 800,000 रुपए की शराब जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें ये शराब के संबंध में हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं कि कहाँ से ले जाके इसको कहाँ ये जाने वाली थी, इस संबंध में हम आरोपियों को, गिरफ्तार शुदा आरोपियों को सर कितने आरोपी पुलिस रिमांड में लेके पूछताछ कर रहे हैं। सर अभी मालूम वगैरह कुछ पड़ा कि कहाँ की है शराब? इसमें जो आरोपी हैं उसमें एक है नितेश लोधी, है खेरली मनी थाना मनिया है, जिला धौलपुर राजस्थान का, और दूसरा आरोपी भी वहीं का है पूरन सिंह, ये भी वही मनिया धौलपुर राजस्थान को उन्होंने बताया है। सर इसमें क्या मालिक को विवेचना करेंगे कि शराब कहाँ से चली, कहाँ पहुँचाई जा रही थी, किसकी है, इसकी पूरी बारीकी से विवेचना करके सभी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस पूरी कार्रवाई में विशेष रूप से नवपदस्थ उप निरीक्षक संदीप मीणा की भूमिका सराहनीय रही, जिन्होंने थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ के निर्देशन में पूरी कार्रवाई अंजाम दिया। विशेष रूप से इसमें निरीक्षक थाना प्रभारी नलवीन चावरिया, संदीप मीणा, राकेश दामले, प्रधान आरक्षक मनोहर साहू, आरक्षक भूपेश केशव राजमल, मनोज परिहार, विवेक चौहान, बलराम, सैनिक राजेंद्र, सैनिक कमल की भूमिका विशेष सराहनीय रही और इस अच्छे कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी को अधिक से अधिक पुरस्कार देने की घोषणा की। धन्यवाद। नरसिंहगढ़ से कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह पवार की रिपोर्ट।